आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैग्नेट, तो आपके माइंड में एक मतलब थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है कि मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और मैग्नेट या आयरन से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है। सिंपल सी बात है, सभी बेसिकली यही पढ़ाया जाता है क्लास 8 में, 9th में, है ना? चलो ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेट? यस ऑफ कोर्स, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक थिंग्स एंड आयरन व्हिच मेड अप इन आयरन। ओके, क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, कोई बता सकता है? क्या स्टोरी है? तो ऐसे एक कहानी मैंने सुनी थी, उड़ते उड़ते आप लोग भी बहुत चीजें सुनते हैं ना, तो वैसे ही कहानी मैंने सुनी थी कि एक शहर पर कोई शेपर्ड अपने भैंस चला रहा था, सॉरी शेपर्ड भैंस कैसे चला सकता है यार, सिर्फ अपनी क्या कर रहा था, ग्रेज करा रहा था। तो उसका जो डंडा था उसमें जो स्टिक ले रखी थी उनको कंट्रोल करने के लिए, वो आयरन की, ठीक है, देख रहे हो जलवे भाई साहब, आयरन की रॉड लेके जाता था। तो आयरन की रॉड एक पत्थर पे जाकर के चिपक गई, चलो चिपक गई, तो चिपक गई तो वो हैरान हुआ कि ये कैसा जादू है। तो फिर उसको याद आया, अरे ये तो देवी माँ है, धरती है, धरती मेरी माँ है, है ना? ये बहुत पुराना डायलॉग है, आप सुना तो होगा। तो उसने जब लोगों को बताया तो लोगों ने डिस्कवरी करनी शुरू करी, खोजबीन करनी शुरू करी, साइंटिस्ट को बुलाया, है ना, पुलिस प्रशासन को, क्या अब ये तो नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर एंड आल्सो वी डोंट केयर, लेकिन ये तो है कि कोई स्टोरी है। फिर एक स्टोरी आती है, कोई गांव था, कोई विलेज था जिसका नाम था मैग्नीशिया करके, वहां पर ये स्टोन सबसे पहले मिला, ब्लैक स्टोन, तो इसका नाम रखा गया मैग्नीशिया से ही मैग्नेट, ऐसा कुछ स्टोरी आप सबने सुना। खैर इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं और ज्यादा हम लोग देखिए टू द पॉइंट बात करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए भाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है 10th एज वेल एज 12th में, चार पांच चैप्टर है, इसकी पूरी पूरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला टॉपिक, व्हाट इज मैग्नेट। आपने सबने पता है कि भाई मैग्नेट है, तो मैंने एक पैसा ले लिया, बार मैग्नेट ले लिया, कितने टाइप का होगा ये भी जानते हो, सर्कुलर डिस्क होता है, बार मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पोल हमने रेट कर लिया कि नॉर्थ पोल है, और एक पोल कैसा है, साउथ पोल है, बहुत बढ़िया बात है। एक प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि अगर मैं साउथ को साउथ से भिड़ा देता हूं तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, भैया कैसा भगाएंगे, दूर भगाएंगे, कैसा फोर्स है, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों नेचर का फोर्स है। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट है कि वीकेस्ट है? अगर लॉन्ग रेंज फोर्स है तो ये वीकेस्ट है, और अगर रेंज कम कर दी जाए तो फोर्स कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह अगर मैं अगर इधर नॉर्थ को इसके पास ले जाऊं, भाई भाई को, तो आपस में एक दूसरे का खून कर डालेंगे, मतलब ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, ये किसी को क्या करेंगे, दूर भागो पसंद नहीं। भाई कोई पॉजिटिव चीज है तो वो नेगेटिव के पास जाएगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव गिर जाओगे आप, सिंपल सी बात है। अगर क्लास में आप बैठे हो, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है और वो ज्यादा चिपकने लगा तो गुस्सा आती है ना, अबे दूर चलो यार, और अगर वहीं पर कोई और बैठा है तो हो सकता है कि अच्छी चीज क्या क्या बात करो चीज छोड़ो। तो नॉर्थ एंड साउथ, तो साउथ साउथ क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है नेचुरल मैग्नेट की, किसी भी मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी है कि क्या करेगा, वो साउथ को रिपल करेगा, नॉर्थ को रिपल, बहुत बढ़िया बात। तो व्हाट हैपेंड व्हेन वी प्लेस्ड अपोजिट पोल टू ईच, मींस दैट अगर यहां पर साउथ है और यहां पर मैंने प्लेस कर दिया नॉर्थ, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी माना आ गई भाई, ये चिपक जाएगा एक दूसरे पे, ये अब इनसे सगा, इनसे ज्यादा खास रिश्तेदार कोई है नहीं, आओ या गले लग जाते हैं एक दूसरे से, है ना, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर लीजिए, वाह बहुत नहीं, ऐसा क्या था, चलो ठीक है, ऐसा क्या था समझने के लिए थोड़ा सा इधर साइड, मान लो ये एक मैग्नेट है, क्या है ये मैग्नेट है, ओके, और ये एक आयरन का टुकड़ा रखा है, आयरन का आप लोग जानते हैं एफी बोलते हैं, आयरन का पॉट है और ये मैग्नेट नॉर्थ है साउथ, अब आयरन का है तो इससे नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं। अच्छा अगर ये डिस्टेंस पे रखा है, कुछ मान लो कुछ डिस्टेंस पे रखा है, एक्स डिस्टेंस पे रखा है मान लो, तो ये क्या करेगा, अगर मैग्नेट मैग्नेट यहां तक की ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर सकता होगा, तो यहां तक की चीजों को अट्रैक्ट करेगा, अगर यहां तक मतलब कुछ रेंज होगी ना उसकी अट्रैक्ट करने की, भाई कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो कुछ ना कुछ रेंज होगी, नॉन कॉन्टेक्ट है मतलब दूर से कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रेंज होगी ना भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना कि एक मैग्नेट मैंने रखा है और एक तुमने अपने घर में पकड़ रखा है तो वो एक दूसरे को अटैक कर रहे होंगे, तो मैं मैग्नेट के सहारे तुम्हारे घर आ जाऊंगा चुपके, ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ रेंज होगी, अगर ये रेंज से बाहर गया, एक टुकड़ा ये जो कॉर्क है ये मैंने बाहर कर दिया रेंज से,
ये बाहर कर दिया तो क्या अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, तो है ना, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसके आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है रेंज के बाद। तो रेंज क्या है? इस रेंज को बोल सकते हैं फील्ड, दैट इज फील्ड। और कैसे फील्ड है भाई? मैग्नेट की फील्ड है ना, तो इसको कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। और क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है सर? मैंने कभी जिंदगी में सुना। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ के आया स्केलर वेक्टर, ठीक है, पुरानी चीजें याद कर लिया करो कभी कभी, है ना। फिर कहते हैं सर क्या भाई पुरानी बात है, किसी भी नहीं नहीं बात सकता, याद करो। तो बी क्या हो गया हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हमने ऐसे हवा में बोल दिया? ऐसा तो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, हमने तभी तो बोला। मान लो क्या है हमारे पास? एक है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। मान लो सपोज इसकी रेंज है कुछ, ये रेंज है जिससे वो अट्रैक्ट रिपल करेगा। इसका मतलब कि यहाँ इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्रिकेट ग्राउंड जैसा लग रहा है, ये पिच है यहाँ पर, भारी है श्रीलंका से इंडिया है, ये पिच है। तो ये क्या है? फील्ड हुई नहीं, फील्ड हुई, फील्ड हुई, फील्ड हुई। ये फील्ड कैसे बनी? अच्छा, कैसा नेचर है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा तो कब कर रहा होगा? जब वो फोर्स लगा। अट्रैक्ट करूंगा मतलब पुल कर रहा हूं, रिपल करूंगा मतलब पुश कर रहा हूं। पुश और पुल, व्हाट इज पुश और पुल? फोर्स। मतलब ये अट्रैक्ट और रिपल जो कर रहा है ये फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है कि लगा? और अगर ये दोस्त फोर्स लगा रहा है तो इस पूरी फील्ड में फोर्स लगाएगा, ये पूरी फील्ड में फोर्स लगाएगा ना। इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जितनी डिस्टेंस, जितनी फील्ड तक की चीजों को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। और जो फील्ड होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स रेंज। ठीक है, क्लियर? इतनी बात, बहुत बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ा हूं, बस 8th का है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। तो ये जो फील्ड है ना, इसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ लाइंस है जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन से, कौन से डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, उसको शो करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दैट क्लियर? चलो भाई, तो क्यों अट्रैक्ट करता है, मैं क्यों रिपल करता है, वहीं पे आ रहा हूं कि छोटा छोटा हमको टुकड़ों में भी सीखना है। क्या? देखो, सपोज दैट हमारे पास क्या है? बार मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ साउथ। मैंने एक कंपास लेकर यहाँ पर रख दिया, कंपास जानते हैं, मैग्नेटिक नीडल कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका जो डिफ्लेक्शन है कंपास का, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड, आपका नहीं, मेरा राइट हैंड। मतलब कि फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, तभी तो इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों? नॉर्थ है, तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ओके, और साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ को रिपल कर रहा है, साउथ अट्रैक्ट कर रहा है। कंपास मैंने उठा के यहाँ रख दी भाई, तो फिर देखा कि क्या कर रहा है, नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होगा, तभी तो इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि फिर इसका डिफ्लेक्शन कैसा हुआ? राइट हैंड का, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कि नॉर्थ से निकल रहा है, कहां जा रहा है? साउथ में जा रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तो उसी फोर्स को डिनोट करने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द बार मैग्नेट। एक आध नंबर, दो नंबर का मजाक में जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गया क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको दिमाग में रख के हमें फिगर बनाना पड़ता है, जो डायग्राम बनाओगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पोल्स में कैसे रहती है? स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे जैसे पोल से दूर जाओगे वीक होती जाएगी, कमजोर फोर्स होता जाएगा। दूर होते जाओगे, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे, फोर्स वीक होता जाएगा, वीकर फोर्स। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, मतलब नॉर्थ से शुरू साउथ में एंड, नॉर्थ से शुरू साउथ में एंड, फिर साउथ से अंदर अंदर गई। ध्यान रखना, साउथ से अंदर अंदर गई, नॉर्थ से निकली फिर साउथ में, फिर साउथ से अंदर अंदर गई, मतलब आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, ओके, बट इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। साउथ हो गया क्या? अपोजिट चल रहा है, ठीक है, टेंशन मत, चलो लिख लो। लेकिन इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर वन क्या था? कि नॉर्थ से निकली साउथ में गई, प्रॉपर्टी नंबर दो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब
नॉर्थ से निकली साउथ में आई, जरा देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाई द ऑब्जेक्ट रिपल एट ईच अदर, राइट। चलो देखो 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 बड़ा देखो, ये इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम इतना टाइम आएगा, ये तो गाना नहीं इतना टाइम आएगा, गाना है अपना टाइम आएगा। चलो आगे बढ़ाए, चलो चलो देखते हैं। देखो नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर हुई, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर हुई, इसी तरह नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर हो रही होगी, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा एंटर कर दी क्या मैंने, इस तरह इधर के नॉर्थ से आपके साउथ में एंटर हो रही होगी, एंटर 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 एंटर। अब देखो एरो मैंने ऐसे बना दिया तो समझ जाना, मैं डायग्राम से जिधर से बना रहा हूँ लेकिन एरो देखो, एरो देखो ये एरो बन गया, मतलब नॉर्थ से आ रही है साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से आ रही है साउथ में एंटर कर रही है, ठीक है। अब देखो यार ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे ना, बताओ करेंगे क्या, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब देखो मेरा हाथ देखो, मतलब ये ऐसे आ रही है ये ऐसे आ रही है, अब इंटरसेक्ट करना नहीं है, अगर करना होता तो ऐसे हो जाता ना, ऐसे गुड़ूंग हो जाता, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करना, मतलब ये ऐसे आई ये ऐसे आई तो ऐसे टकरा के दूसरे को दूर ऐसे ऐसे, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस वजह से जो अपोजिट पोले क्या करते हैं, सिंपल, अच्छा भाई सिंपल सी बात, एक और बताओ, अगर मान लो ये तुम्हारा घर है, क्या है ये घर है, घर है ये, एक शॉप है इसकी है वेजिटेबल की, वेजिटेबल शॉप है ठीक है, और ये मार्केट लगी है वेजिटेबल की, पूरी मार्केट है, मार्केट है मार्केट इसकी वेज की वेजिटेबल, मम्मी ने बोला बेटा पुदीना ले आओ, तो क्या करोगे, घर से निकलोगे यहां से उठाओगे वापस रिटर्न। अच्छा आप में से अगर कोई ओवर स्मार्ट बैठा है तो वो एक रुपया बचाने के लिए मे भी यहां से यहां जाएगा, इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है टाइम, रिपीट कर रहा हूं थोड़ा, अच्छा है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टाइम, यहां से आप निकले पुदीना लेने गए, फिर यहां से आए एक घंटा लग गया भाई साहब को, मम्मी बैठी है तब तक चटनी बना ली, फिर तुम्हारी चटनी बनेगी तो खा लेना पुदीना, ठीक है जरा जल्द। अच्छा इसी तरह कुछ इसके साथ भी, देखो जरा कैसे इसकी तरह है जरा समझना, बहुत प्यार समझना, प्यारा टॉपिक बड़ा छोटा टॉपिक, क्लास 8 में आई आपने पढ़ा होगा, और इंट्रोडक्शन है तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसको दे सकते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये मैं कहता हूँ नॉर्थ है और ये किसी एक मैग्नेट का साउथ है, ये नॉर्थ और क्या है साउथ, तो नॉर्थ से निकलती साउथ में जाती, यस और नो, नॉर्थ से निकलती साउथ में जाती और उसका क्या है, नॉर्थ से आती और साउथ में एंटर करती, अरे ये तो मैं वैसा बोलने लगा अभी भी, नॉर्थ से आती साउथ में जाती है ना, चलो कहते हो। अब यार जब पुदीना बगल में मिल रहा है साउथ, जब हमें बगल में सब्जी मिल रही है तो मैं क्यों मार्केट जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई, देखो एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, दैट्स व्हाई अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्या क्या सीख लिया, क्या पेपर प्रॉपर्टी सीख ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीख लिया, मैग्नेटिक फोर्स सीख लिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी सीख ली, अब हमें सीखना है हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द बार मैग्नेट। चलो आओ अपने लास्ट टॉपिक की तरफ फास्ट बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक एक नंबर का लेके जा रहा हूं और फटाफट सब लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अभी हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे कुछ हमारे चैप्टर्स हो जाने के बाद, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, बोर्ड के जितने 10 इयर्स क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एसएसएल रीजन बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बहुत कुछ करने को भाई, करने वाला हो करने के लिए बहुत कुछ, ठीक है तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, जरा देखते हैं। अब देखते हैं हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द बार मैग्नेट, ओके चलो भाई बनाता हूं बार मैग्नेट, देखो जस्ट अ मिनट, चौक दिया जा रहा है, ये है एक छोटा सा छुटकू सा प्यारा सा क्यूट सा नॉर्थ एंड साउथ है बार मैग्नेट, ठीक है तो क्या था, इंटरसेक्ट नहीं करना है तो नॉर्थ से निकलना है, कहां जाना है साउथ में जाना है, चला गया नॉर्थ से निकलना है साउथ में जाना है, चला गया भाई, देखो मेजरमेंट लेके नहीं बैठा हूं कोई, ठीक है कि छोटा बड़ा गोला हो जाए तो बोल दो लेओ सभी साइड में छोटी बड़ी हो गई है, फिर देखो नॉर्थ से निकलना है कहां जाना है साउथ में जाना है, चला गया भैया ठीक है, और नॉर्थ से जाना है साउथ में जाना है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ा रहा है मुझे इसके बारे में, और फिर पहले एक्सपेरिमेंट के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास, चलो ठीक है ओके। नॉर्थ से निकली साउथ में गई, फिर देखो नॉर्थ से निकली कहां गई साउथ में, फिर देखो नॉर्थ से निकली कहां गई साउथ में, एरो लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपने एरो लगाना मतलब पीछू पीछू का एरो लगाना मतलब अच्छा पीछू 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 करना भूल गए तो फिर नंबर भी देना वो भूल जाएगा,
चेक कर देगा तीन नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एक नंबर क्वेश्चन अगर तुम बोलेगा 1/2 आधा नंबर में भूल गया। ध्यान रहे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए कहीं पर भी, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो इनसाइड द बार मेरे टूटा उधर चलता है नॉर्थ से साउथ, और कभी इसको क्या करना टच ना करा देना गलती से एक दूसरे से, ठीक है टच करना क्रॉस ना करा देना, अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो यहां पर लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है इनसाइड द बार में समझ में आ गया अपोजिट डायरेक्शन भाई साउथ से एंड जाएगी तो ना जाएगी, तो कुछ इस तरह से पैटर्न जो होता है वो क्या होता है ड्रॉ होता है, आप इसको आगे ड्रॉ करते रह सकते हैं रात भर बैठे बैठे करते रहना, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ करते रहो इसको, ठीक है। सो हाउ टू ड्रॉ द बार मैग्नेट, हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड इन द बार मैग्नेट, तो ये रहा, ठीक है चलो फटाफट इसको छाप लो, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ये 1 मार्क क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन प्रॉपर्टी सीख ली आज भी इतना काफी है, तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।